Today, we are going to discuss our new topic, that is heating effect of electric current. It is one of the important topic, heating effect of electric current. It is also known as Joule's law of heating. Heating effect of electric current ko hum Joule's law of heating bhi kehte hain. Iska dusra naam hai heating effect of electric current ka. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने दिया था? जेम्स प्रिकोस्ट जूल. ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ये हमें किसके बारे में बताता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा हीट जनरेटेड. ये हीट किसने जनरेट की है? ड्यू टू करंट इन ए सर्किट कैरिंग रेजिस्टेंस आर. अब हमने एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है जिसमें हमने रेजिस्टर आर लिया है. रेजिस्टर आर के साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर को इंट्रोड्यूस किया है. वोल्ट मीटर हमने सर्किट में क्यों लगाया है? फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. आफ्टर दैट हमने एक एमीटर कनेक्ट किया है. एमीटर का वन एंड पॉइंट पॉजिटिव, अनदर एंड पॉइंट नेगेटिव. एमीटर करंट को मेजर करेगा. बैटरी ऑफ वन सेल, वन टर्मिनल पॉजिटिव एंड अनदर टर्मिनल नेगेटिव. आफ्टर दैट वी हैव टू टेक अ की, और की को हमने क्लोज पोजिशन में लिया है. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलता क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पहले मैं इसकी एप्लीकेशंस बताऊंगी. एप्लीकेशंस हमारे पास रहेंगी इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक फ्यूज. क्या बोलता है ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? पहले डेफिनेशंस को देखेंगे. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ बल्ब. बल्ब ले लिया. बल्ब के अंदर हमारा एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना हुआ होता है. हमने क्या किया है? फिलामेंट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया है. जैसे जैसे करंट की सप्लाई को हम इंक्रीज करते रहेंगे, वो फिलामेंट जो टंगस्टन का बना होगा धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा, और वो क्या करेगा? बल्ब जलेगा और लाइट को क्या करेगा? एमिट. सेम इसी तरह हमारी इलेक्ट्रिक आयरन जिसको हम प्रेस बोलते हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है. कैसे वर्क करती है? हमने करंट को पास कराया है फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, और धीरे धीरे वो आयरन, वो प्रेस गर्म होना शुरू कर देती है. वो गर्म कैसे हुई? हमने करंट की सप्लाई को लगातार इंक्रीज किया है. जैसे जैसे करंट की मात्रा इंक्रीज होगी, टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज. और इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सेम इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक हीटर भी वर्क करता है. अब हम इसके प्रूफ की तरफ देखेंगे. जैसे कि हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं ओम्स लॉ. क्या होता है ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू आई आर. हेयर V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस. फिर हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग अ प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू A. तो पोटेंशियल डिफरेंस का यहां से फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज. हमें यहां से वर्क डन निकालना है. वर्क डन क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज. यहां इस रिलेशन में हमने वी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को पुट करना है. तो W एज इट इज लिया हमने. V की वैल्यू होगी आई आर. क्यू को एज इट इज रखा. आफ्टर दैट क्यू क्या होता है? चार्ज. चार्ज की वैल्यू रखिए. चार्ज क्या होगा? आई मल्टीप्लाई बाय टी. तो वर्क डन यहां से हो गया आई आर मल्टीप्लाई आई टी. I into I, I square, R resistance, T time. Work done. ये work done किस वजह से हुआ है? ये work done हुआ है heat के generate होने की वजह से. So हमने replace कर लिया है W को H से. Now the relation comes H is equal to I square RT. That is heating effect of electric current, or we can say that Joule's law of heating. Applications हम already देख चुके हैं. Three applications मैंने इस video lecture में include की है. That is electric bulb, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक फ्यूज. इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट यूज होता है दैट इज टंगस्टन. हीटर के अंदर नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं. फ्यूज के अंदर जो वायर होती है कॉपर वायर हम लेके चलते हैं. आफ्टर दैट इसी के अंदर एक सब टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जो हीट जनरेट हुई है इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई की वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. After that, heat जो generate हुई है वो directly proportional है resistance for a given current I. Starting में हमें थोड़ा current supply करना है, धीरे धीरे current की value increase होना
है, जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है, हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ये हम ऑलरेडी जो हमने फॉर्मूला डेराइव किया था, दैट इज एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसमें हमने किया है हीट जनरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, स्क्वायर ऑफ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू।